हेलो एंड वेलकम टू भुक्खर ज्वाइंट। आज मैं आप लोगों के साथ एक तीखी मटन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे मेरी माँ ने सिखाया है। बिहार के गांव में बनने वाली यह मटन की रेसिपी बहुत ही फेमस है। खास बात यह है कि इसे क्लेपॉट में बनाते हैं। अब ऐसा लोगों को लगता है कि घर में हमारे गैस चूल्हे पे क्लेपॉट को बनाना मुश्किल होगा, बट बिलीव मी, यह काफी आसान है। तो चलिए मेरे किचन में और देखते हैं मैं कैसे इसे बनाती हूँ। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में मैं 100 ग्राम सरसों के तेल को काफी हाई टेम्परेचर पे गर्म करूंगी और फिर उसे ठंडा कर लूंगी। फिर मटन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए करीब 300 ग्राम अनियन मैंने चॉप कर लिया है और 3 बिग टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें डालेंगे। फिर सारे रेगुलर सूखे मसाले, तो सॉल्ट, हल्दी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और करीब 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। ये थोड़ी स्पाइसी बनती है, इसीलिए मैंने इसमें चिली को ज़्यादा यूज़ किया है। फिर गरम मसाला और जो तेल हमने ठंडा करके रखा था उस ऑयल को इसमें डाल देंगे। फिर बारी आएगी गरम मसाले की, तो खड़े गरम मसाले में हम लौंग, सिनेमन स्टिक, छोटी और बड़ी इलायची, स्टार एनिस और जावित्री, ये सारे मसाले हम उस मसाले वाले मिक्सचर में डाल देंगे। फिर मसाले के मिश्रण में मैं 1/2 kg मटन को अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और करीब 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दूंगी। मैरिनेशन से सारे मसाले मटन में अच्छी तरह से घुल मिल जाएगा और उसके बाद जो हमारा क्ले पॉट है उसे थोड़ी सी घी से ग्रीस कर ये सारे मटन के मिक्सचर को हम उस क्ले पॉट में डाल देंगे। इस मटन को हमें दम पे पकाना है। दम पे पकाने की वजह से क्या होगा कि सारे मसाले, प्याज, खड़े गरम मसाले सभी मटन में अच्छी तरह से रच बस जाएंगे और वो उसे एक हेवनली टेस्ट देगा। दम में पकाने के लिए ढक्कन ढक के हम आटे से पूरे ढक्कन को सील कर देंगे और करीब इसे आधा घंटा तक बिना टच किए ऐसे ही दम पे पकने देंगे। आप देख रहे हैं मैं इसे डायरेक्ट गैस पे चढ़ाई हुई है, तो आप इस तरह से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होती है। आधे घंटे के बाद हम ढक्कन को खोलकर चेक करेंगे कि हमारा मटन कितना पका है। आधे घंटे हो गए हैं और हम देख रहे हैं कि हमारा मटन, अभी चेक करते हैं क्या पका है नहीं पका है, अभी पता चल जाएगा। प्याज तो गल गया है और मसाला भी लग रहा है थोड़ा मिल चुका है, पर हम मटन को चेक करेंगे। आप देख रहे हैं मटन थोड़ा हार्ड है, तो मसाला और प्याज तो पक गया है पर मटन हार्ड है, इसीलिए इसे अभी पानी इसमें और हम डालेंगे और डाल के इसे ढक के करीब अब 45 मिनट मुझे लगा था इसे पूरा बनाने में, तो 45 मिनट के लिए इसे और ढक के हमें पकाना है स्लो आंच पे। ये काफी स्लो कुकिंग होती है, 10-10 मिनट में हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। करीब 40 मिनट बाद मैंने फिर से एक बार ये अभी चेक कर रही हूँ, देखते हैं हमारा मटन कैसा हुआ है। ग्रेवी तो काफी अच्छी बन गई है, प्याज हमारा पूरा गल चुका है, पर मटन को चेक करना जरूरी है। मटन बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, तो अब हम गैस बंद कर देंगे। ये देखने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, तो देखा इसे बनाना क्लेपॉट में कितना आसान है, तो फिर देर किस बात की। आप भी अपने किचन में बनाइए और मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए भुक्खर ज्वाइंट की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।